हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, तो आज से हम लोग गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, दोनों यूनिवर्सिटी का जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है, उन दोनों एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन को शुरू करने जा रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस टॉपिक से मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रेंड्स, इस चैनल में आप लोगों को बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फुल प्रिपरेशन कराया जाएगा, सभी सब्जेक्ट को फुल्ली कंप्लीट किया जाएगा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर वन में बोल रहा है, देखिए, हु हैज प्रिपेयर्ड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। नया एजुकेशन पॉलिसी 2020 को किसने प्रिपेयर किया है? तो नया एजुकेशन पॉलिसी 2020 को प्रिपेयर किया गया है आपका कस्तूरी रंजन समिति के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर वन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कस्तूरी रंजन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू में बोल रहा है, देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी विल बी स्पेंट बाई द गवर्नमेंट इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। मतलब जीडीपी का कितना परसेंटेज आपका नया एजुकेशन पॉलिसी 2020 में गवर्नमेंट स्पेंट करेगा, खर्च करेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर देखिए, नया एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट टोटल जीडीपी का 6% खर्च करेगा, स्पेंड करेगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 6%। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री में बोल रहे, देखिए, व्हाट नेम हैज बीन गिवन टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब देखिए, यहां पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम चेंज कर दिया गया है। तो इसका नाम चेंज करके नया कौन सा नाम दिया गया है? तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, इसका नाम चेंज करके नया नाम दिया गया है आपका एडुकेशन मिनिस्ट्री। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, एडुकेशन मिनिस्ट्री। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर में बोल रहे, देखिए, व्हाट इज द न्यू पैटर्न ऑफ 10+2 एडुकेशन पॉलिसी इन द न्यू एडुकेशन पॉलिसी 2020। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 10+2 एजुकेशन पॉलिसी अभी तक जो इंडिया में चल रहा था, क्लास 10 तक स्टूडेंट पढ़ने के बाद यहां पर जब 11 में जाते थे उस टाइम में आइदर साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स चूज करना था, तो इस पॉलिसी को यहां पर कैंसिल कर दिया गया है। नया कौन सा पॉलिसी को यहां पर लागू किया है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। अब देखिए, नया जो पॉलिसी है उसमें क्या है, देखिए, उसमें चार स्टेज है, उसमें चार स्टेज है। स्टेज नंबर वन, स्टेज नंबर वन है आपका फाउंडेशन स्टेज, आप लिख लीजिएगा। स्टेज नंबर वन है आपका फाउंडेशन स्टेज, फाउंडेशन स्टेज। नेक्स्ट आता है आपका स्टेज नंबर टू, स्टेज नंबर टू है आपका प्रिपेरेटरी स्टेज, प्रिपेरेटरी स्टेज। नेक्स्ट आता है आपका स्टेज नंबर थ्री, अब स्टेज नंबर थ्री है आपका मिडिल स्टेज, मिडिल स्टेज। एंड स्टेज नंबर फोर है आपका सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। अब फाउंडेशन स्टेज क्या है? फाउंडेशन स्टेज देखिए, पहले तो यहां पर स्टूडेंट जो है वो नर्सरी पढ़ेगा, उसके बाद नर्सरी, देन केजी वन, देन केजी टू या एलकेजी यूकेजी भी बोलते हैं, उसके बाद क्लास वन, क्लास वन और क्लास टू। तो नर्सरी से लेके क्लास टू तक, मतलब 5 ईयर्स पढ़ने का टाइम को कहा गया है आपका फाउंडेशन स्टेज। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आपका प्रिपेरेटरी स्टेज। प्रिपेरेटरी स्टेज में क्लास क्लास थ्री से लेके क्लास फाइव तक, मतलब क्लास थ्री से लेके क्लास फाइव तक कितना क्लास है? 3 क्लास। तो यहां पर देखिए, 5 क्लास है, उसके बाद 3 क्लास है। तो ये जो 3 क्लास है, क्लास थ्री से लेके क्लास फाइव तक, इसको कहा गया है आपका प्रिपेरेटरी स्टेज। नेक्स्ट आता है आपका मिडिल स्टेज। अब मिडिल स्टेज में देखिए, मिडिल स्टेज में आपका मिडिल स्टेज शुरू होगा क्लास सिक्स से लेके क्लास सिक्स से लेके क्लास एट तक, क्लास सिक्स से लेके क्लास एट तक। तो यहां पर कितना क्लास है? यहां पर भी आपका 3 क्लास है। तो मिडिल स्टेज में कितना क्लास है? क्लास सिक्स से लेके क्लास एट तक, मतलब 3 क्लास है। एंड एट लास्ट आएगा आपका सेकेंडरी, सेकेंडरी में आपका क्लास नाइन से लेके क्लास
12th तक। तो यहां पर भी कितना है, यहां पर देखिए कितना है, यहां पर टोटल 4 ईयर्स है। तो अभी यहां पर नया जो एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें जो नया एजुकेशन पॉलिसी का जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या है, देखिए 5-3-3-4। तो यहां पर देखिए 5-3-3-4 कहां पर है, ऑप्शन ए में। दैट मींस यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अभी यहां पर इनको ये जो नाम है इनको आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है सभी नाम। फाउंडेशन स्टेज मतलब फाउंडेशन स्टेज, नर्सरी एलकेजी या फिर आप केजी 1 केजी 2 भी बोल सकते हैं, एलकेजी यूकेजी क्लास 1 क्लास 2 इसको कहा गया है फाउंडेशन स्टेज। देन क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक प्रिपेरेटरी स्टेज, देन क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक मिडिल स्टेज, एंड देन क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक सेकेंडरी स्टेज। और पैटर्न जो है ये चलेगा आपका 5+3+3+4। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है देखिए, इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 5+3+3+4 हम लोगों ने देखा है रिसेंटली, व्हाट स्टेज इज असाइंड टू द नंबर 5। अब ये जो पहला 5 जो नंबर है इस 5 नंबर का नाम क्या है, कौन सा नाम दिया गया है। तो यहां पर अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखा है देखिए, पहला स्टेज का नाम क्या है, फाउंडेशन स्टेज। तो यहां पर देखिए फाउंडेशन स्टेज आपका ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फाउंडेशन स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है देखिए, फ्रॉम व्हिच क्लास स्किल डेवलपमेंट कोर्स विल स्टार्ट इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। कौन सा क्लास से आपका नया एजुकेशन पॉलिसी में कौन सा क्लास से आपका स्किल डेवलपमेंट कोर्स शुरू होगा। सो नया एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्किल डेवलपमेंट कोर्स शुरू होगा आपका क्लास 6 से, क्लास 6 से ही यहां पर स्किल डेवलपमेंट कोर्स शुरू हो जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्लास 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है देखिए, इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 व्हाट इज द मिनिमम क्लास स्टूडेंट शुड बी टॉट विथ हिज मदर टंग। मतलब नया एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मिनिमम कितने साल तक एक स्टूडेंट को मिनिमम कितने साल तक अपना मदर टंग मतलब अपना मातृभाषा में ही यहां पर पढ़ाना चाहिए। देखिए मिनिमम पूछा गया है मतलब मिनिमम इतने साल तक आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है। यहां पर देखिए मिनिमम आपका क्लास 5 तक, क्लास 5 तक जो बच्चा होगा क्लास 5 तक उसको मदर टंग में ही यहां पर पढ़ाना है। और मैक्सिमम अगर पूछा जाए तो मैक्सिमम देखिए आप मैक्सिमम क्लास 8 तक पढ़ा सकते हैं, मिनिमम आपको क्लास 5 तक पढ़ाना ही पढ़ाना है। जैसे कि मान लीजिए किसी एक स्टूडेंट है उसका मदर टंग मान लीजिए उसका मदर टंग तमिल है तो उसको कम से कम क्लास 5 तक तमिल लैंग्वेज में पढ़ाना ही पढ़ाना है। उसके बाद अगर मैक्सिमम देखिए क्लास 8 तक पढ़ा सकते हैं, क्लास 5 के बाद मैक्सिमम क्लास 8 तक पढ़ा सकते हैं, उसका वो आपका स्कूल के ऊपर डिपेंड करेगा। पर क्लास 5 तक उस स्टूडेंट को क्लास 5 तक अपना मदर टंग में पढ़ाना ही पढ़ाना है और मैक्सिमम क्लास 8 तक पढ़ा सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे थे कि आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया हैज चेंज्ड। मतलब कितने साल के बाद एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया को चेंज्ड कर दिया गया है। अब देखिए एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया ये यहां पर चेंज किया गया है आपका आफ्टर 34 इयर्स, दैट मींस ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लास्ट कौन सा साल में किया गया था, यहां पर देखिए एजुकेशन पॉलिसी अभी तक 3 बार आया है। ये क्या है, अभी जो आया है ये आपका थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है, थर्ड एजुकेशन पॉलिसी। अभी जो नया एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है ये आपका थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। पहला एजुकेशन पॉलिसी आया था आपका 1968 में और सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आया था आपका 1986 में। पहला आया था आपका 1968 में और सेकंड आया था आपका 1986 में। 1968 में जब आया था उस टाइम में प्रधानमंत्री थे आपका इंदिरा गांधी, और 1986 में जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया गया था उस टाइम में प्रधानमंत्री थे आपका राजीव गांधी। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो पहला आया था आपका 1968 में, देन आया था आपका 1986 में, और अभी जो आया है देखिए 1986 लास्ट आया था, तो अभी आया है आपका 2020 में। तो आफ्टर 34 इयर्स बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है इंडिया में। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है फ्यूचर में, 2020 में जो एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है उस टाइम में प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप सभी आराम से आंसर कर सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है देखिए, फॉर हुम नेशनल असेसमेंट सेंटर विल बी मेड। नेशनल असेसमेंट सेंटर इनमें से किन के लिए बनाया जाएगा। सो नेशनल असेसमेंट सेंटर जो है ये बनाया जाएगा आपका फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि इन हायर एजुकेशन व्हिच कोर्स हैज बीन इलिमिनेटेड, हायर एजुकेशन में इनमें से कौन सा कोर्स को इलिमिनेट कर दिया गया है, इस कोर्स अभी से नहीं रहेगा। तो ये कोर्स है आपका एमफिल मास्टर ऑफ फिलोसफी, तो ये एक रिसर्च कोर्स होता है, इसको यहां पर इलिमिनेट कर दिया गया है। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एमफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे थे कि इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन ऑफ कोडिंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंटीग्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम व्हिच क्लास, नया एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन ऑफ कोडिंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग कौन सा क्लास से शुरू होगा, तो ये शुरू होगा आपका क्लास सिक्स से। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे थे कि हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यह नया नाम है, इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम क्या था, एचआरडी मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो यहां पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर को नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिया गया है। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इसका प्रेजेंट मिनिस्टर कौन है, तो इसका प्रेजेंट मिनिस्टर है आपका रमेश पोखरियाल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे थे कि बाई व्हिच ईयर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन थ्रू ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हैज बीन प्लान्ड, मतलब कौन सा साल में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन थ्रू ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब क्या है, मतलब ये है कि इनमें से किस साल में देखा जाएगा जो स्टूडेंट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है, जो एनरोलमेंट रेशियो जो है वो आपका 100% अचीव कर लेगा इंडिया। तो ये रखा गया है आपका 2030 तक, मतलब 10 साल यहां पर दिया गया है, 2030 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यहां पर 100% कर लेगा इंडिया। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे देखिए, व्हाट इज द करंट एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में करंट एनरोलमेंट रेशियो क्या है, तो हायर एजुकेशन में करंट एनरोलमेंट रेशियो है आपका 26.3%। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 26.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे थे कि फॉर स्कूल एजुकेशन हु विल प्रिपेयर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, स्कूल एजुकेशन के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कौन प्रिपेयर करेगा, तो स्कूल एजुकेशन के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क प्रिपेयर करेगा आपका एनसीईआरटी। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इन एनईपी 2020, एनईपी मींस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये क्या है, ये है आपका डिजिटल स्कोर फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में डिजिटल स्कोर का नाम दिया गया है आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।